का या रसूल अल्लाह सल्लम अलैहि डर नहीं सवाला मैनू डर नहीं सवाला मैं ते नौकर हां सहरा दे लाला हाथ उठा के बस सखियां कोलों नहीं मंगन दी लोड़ पैंदी दान हुंदा नहीं दिला दिया थोड़े तो पै होए ने जो यार दी गली अंदर हीरे बार देवा ओना रोड़िया तो हीरे बार देवा ओना रोड़िया तो जदों प्रिया दा कुर्ब नसीब हो सी जान छुट सी उदों विछोड़िया तो माल जान औलाद कुर्बान अजमल बदल दी है यार एक बारी पूरी महफिल कसम है अहले बैत दी मोहब्बत वाले थे हाथ उठाओ दोनों दरा दोनों हाथ उठा के जोर ला के कहने मैं हजूर ने मौला हसन हुसैन नु मोड़िया ते पा के सहाबा इकराम नु खिताब फरमा के दिया आपने फरमाया इना दा नाना जन्नती इना दा बाबा जन्नती इना दी अम्मा जन्नती इना दी खाला जन्नती इना दे मामू जन्नती फरमाया ए भी जन्नती ते जेड़े इना नाल प्यार करन ओ भी जन्नती मेरा दिल
इश्क भरी माइए दी रंगत तो बाद जरा सूफिया दे हां जरा सूफिया दे सूफिया की महफिल नात में मदीना मुनव्वरा हो या कोई और जगह ये कलाम सबसे पहले सूफिया की महफिल में महफिल नात में पढ़ा जाता है। मासूम कलियां मुस्कुराती थी हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी अभी जिब्रील भी उतरे ना थे काबे के मिंबर से के घर से मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए शागे इंसो जान वो मोहम्मद फखरियाल बादशाहे इंसो जान सैयदे कौने सुल्ताने अरब शाहे अजम सैयदे कौने सुल्ताने अरब शाहे अजम एक दिन शाहे तुमने तो देखे जहां बदलाओ तो कैसे है हम अर्द की जिब्रील ने महज भी तेरी कसम न कोई आप जैसा था ना कोई आप जैसा है आसमां में कोई भी मिसाल ना मिले मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्की कुल्ली एक बार दाएं हाथ उठाकर दाएं हाथ उठाकर दाएं हाथ उठाकर हुवल हबीब शाफा तो हो वल्लभी बुल्ला जी तुम जा शाफा तो हो ले बुल्ले हो लिम्मीन अवली मोग तहे में मौलया सल्ली व सल्ली सैमल अबदन अला हबीब बेका खैर खल्की
सलाम उन पर यही कहना खुदा का है, खुदा के बाद जो है मर तबा सुन ले अदा का है, खुदा के बाद जो है मर तबा सुन ले अदा का है, वही सरदार आलम है, वही गमखार उम्मत है, वही तो हश्र के मैदान में सबकी शफात है, शफात के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैर खल्की कुल रब्बे बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना और ऊंची सुभान अल्लाह, ऊंची सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों ने पहले भी दो महफिलों में ये कलाम पढ़े गए, मगर दोस्तों की बार बार फरमाइश, दो दो शेर मुख्तसर करते हुए। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता करते हैं वो प
तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है, सच बोल तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है। है दोनों जहां यारो जागीर मोहम्मद दी लश्क आएगा अपने कदमों अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने जाए अपने कदमों प्यारे कदमों जा
सारे मजमून को मुनाजात के इस हिस्से के साथ समेट रहा हूँ, साथ समेट रहा हूँ। मेरे एक एक बच्चे की मुझे फरमाइश है, ये एक एक बेटे की, के आका मेरे आका हमें कदमों में बुला लो, आका मेरे आका हमें कदमों में बुला। हाथ उठाइए जरा, हाथ उठाइए जरा, सब पढ़िए, मेरे आका हमें कदमों चाहती हैं सुनहरी जारियां, दिल में हल चल चाहती हैं सुनहरी जारियां, पहुँचना तर पर तो कहना आका, पहुँचना दर पर तो कहना आका, पहुँचना दर पर तो कहना आका, सलाम लीजिए गुलाम आया, पहुँचना दर पर तो कहना आका, पहुँचना दर पर तो कहना आका, सलाम लीजिए गुलाम आया, पहुँचना दर पर तो कहना आका, राया वे मदीने जान वाले अर्ज़ा सुनावी जाके मेरिया, राया वे मदीने जान वाले अर्ज़ा सुनावी जाके मेरिया, बड़ा चाहे ज़िया रतदा पड़ी बसरत रे खड़े दी लो, आका मेरे
मालकों की मनकबत के दो शेर पेश करते हुए मैं माइक से रुखसत हो जाऊंगा। सादात के गुलशन का एक फूल बारगाहे नबी अलैहिस्सलाम की इस मजलिस मुबारक में हाजिर हुए शाह साहब का आना और हम सब का आका की निस्बतों का एहतराम करना मालिक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो भी आके सैयदा दे दर ते बैठ गया, जो भी आके सैयदा दे दर ते बैठ गया, खाली का सा लेके आया, खाली का सा लेके आया, पर के ले गया। जो भी आके सैयदा दे दर ते बैठ गया, जो भी आके सैयदा दे दर ते बैठ गया। तत्हीर जहरा बारिश तत्हीर जहरा बारिश तत्हीर जहरा जान सरवर्दी जान सरवर्दी बारिदा हसनैन सी के शान है दर्दी शान है दर्दी मकाम ते कदी किस मकाम ते तेरा दे तेरा च दे चया दुनिया जिसनु आख दी गाजी अब्बास ए गाजी अब्बास ए कट गए कट बाजू अलम ने फेर भी छटिया जगनु कह गया। एक बार सिर्फ गाजी अब्बास सलमदार के नाते हाथ उठा के जरा दोनों हाथ उठा के कट गए बाजू अलम नहीं फेर भी छड़िया कट गए बाजू अलम नहीं फेर भी छड़िया वफा उल्फी ये गाजी जगनु कह गया इज वफा उल्फी ये गाजी जगनु कह गया सुभान अल्लाह जनाब सुभान अल्लाह। खूबसूरत अंदाज और खूबसूरत कलाम जनाब मोहम्मद शहजाद हनीफ मदनी साहब पेश कर रहे थे। सरकार के शहर पाक का जिक्र किया, मदीनतुर रसूल का जिक्र किया और इस पूरे ऐवान में बुजुर्ग भी हैं और कहते हैं कि जहां 40 साहिबान ईमान हों एक अल्लाह का मुकर्रब होता है।